हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मन में सोचें एक प्रश्न, और जाने आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एंजल्स की तरफ से आंसर लिए हैं कि आपकी इच्छा पूरी होगी, नहीं होगी, या वेट करना पड़ेगा। मेजर अरकाना से हम देखेंगे आप में से ज़्यादातर लोगों की क्या इच्छा हो सकती है। तो ये अभी मैंने भी नहीं देखे हैं, तो हम साथ में देखेंगे। सो लेट्स चेक कि आपने कौन सी इच्छा मांगी है और आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने के चांसेस हैं। सो अपने आँखों को बंद करिए और अपने मन में कोई भी इच्छा जो आप चाहते हैं वो सोचिए। अगर मेरे कार्ड्स में वो इच्छा आई यहाँ पर और मैंने वो इच्छा बोली यहाँ पर, उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, येस नो वेटिंग वॉट एवर, वो आपको मानना पड़ेगा। कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि सबकी इच्छा यहाँ पर निकल कर आए, बट जिनकी भी आएगी मैं ज़रूर बताऊँगी। लेट्स चेक। और दूसरी बात कि ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये हफ्ते के हिसाब से मैं करती हूँ कि आने वाले हफ्ते में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी। तो जब भी जिसके सामने ये वीडियो आएगी उससे उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट करेगी, टाइमलेस है। सोच लें अपने मन में एक प्रश्न। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स ने कौन सी इच्छा सोची है, प्लीज़ गाइड करें। कौन सी इच्छा सोची है मेरे व्यूवर्स ने अपने दिल दिमाग में। जस्टिस, जजमेंट, फोर मोर कार्ड्स, बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आ गए हमारे पास कार्ड्स ऑलरेडी। सबसे पहला कार्ड है एट ऑफ वैंड्स। आप में से ज़्यादातर लोग किसी तरह के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो मैसेज अपने पार्टनर का हो, ब्रेकअप सिचुएशन हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, चाहे आप किसी लेटर का, किसी इंटरव्यू कॉल का आप वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी न किसी तरह का मैसेज आप वेट कर रहे हैं। दूसरा ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, कहीं आप जाना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, किसी तरह का मे बी आपसे कोई मिलने आए, आपने ऐसी विश करी है कि क्या वो आएंगे मिलने, येस और नो, या आप ट्रैवल करने जा पाएंगे, कहीं बाहर जा पाएंगे, मे बी आपने कोई प्लान बनाया हुआ है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो या तो घूमने फिरने से रिलेटेड हो सकता है, या तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, और या तो फिर यहाँ पर पार्टनर के मैसेज से रिलेटेड या इंटरव्यू कॉल से रिलेटेड हो सकता है। तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है। दूसरा कार्ड है टू ऑफ कप्स। कुछ लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं कि क्या वो सोलमेट जर्नी में हैं या ट्विन जर्नी में हैं। तो ट्विन जर्नी, ऐसे कार्ड्स देखकर बताना मुझे सही नहीं लगता है। ट्विन जर्नी में आप अगर होते हैं तो भगवान, एंजल, यूनिवर्स खुद आपको गाइड कर देते हैं। ऐसी ऐसी इंडिकेशंस, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। प्लस ट्विन फ्लेम्स में एक मिथ है कि आप जो होते हैं, आप लोगों को बहुत तरीके की गाइडेंस मिलती है हर तरफ आजकल। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ट्विन फ्लेम है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को, सोलमेट एनर्जी जो होती है वो मल्टीपल सोलमेट्स होते हैं ऐसा माना गया है। और एक इंसान के लाइफ में जो उनके सोलमेट्स होते हैं वो माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, कलीग्स, किसी भी रूप में हो सकते हैं, जो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, जो कभी आपका बुरा नहीं चाहते। और आपसे लड़ाई झगड़ा हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, आप दोनों डिस्टेंस में भी आ जाओ तो भी आप एक दूसरे के लिए अच्छा ही मनाएंगे। तो वो होते हैं सोलमेट्स, ठीक है। उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद आता है ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम में ये होता है कि दोनों फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं, हीलर्स होते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ कैरी करते हैं, इंट्यूशन उनका बहुत पावरफुल होता है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, मतलब उन्हें सब पहले से ज्ञात होता है, इवन अपना पास्ट जन्म भी याद होता है।
फेमस पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई फेमस है तो वो ट्विन फ्लेम है। फेमस के साथ साथ बचपन से ही, मतलब होश संभालते ही वो समाज के लिए काम करते हैं। तो समाज के लिए अगर आप काम कर रहे हैं और आपके पार्टनर काम कर रहे हैं और आप रोमांटिक रिलेशन से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, तब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या वो सोल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप जिनसे प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे लव करते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो किसी के साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं कुछ नया बिजनेस, करियर, जॉब। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ लोगों का नसीब बहुत ज़्यादा ऐसा, उन्होंने क्वेश्चन करा है कि मेरा नसीब कब खुलेगा, मेरे लाइफ में कब हैप्पीनेस आएगी, मेरे लाइफ की जो परेशानियां हैं वो कब ख़त्म होगी। तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, ज़रूरी नहीं लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम, मतलब एक कर्मा साइकिल आप फेस कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये कार्मिक सिचुएशंस कब एंड होंगी। द लवर्स, कुछ लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं कि हमारा रीयूनियन कब होगा, हमारे लाइफ में हमारे पार्टनर वापस कब आएंगे, हमारी शादी कब तक होगी, हमें कमिटमेंट कब तक मिलेगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों की जॉब गई है, कुछ लोगों का करियर नुकसान हो रहा है, बिजनेस में घाटा हुआ है, वो जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या आगे चल के सक्सेस मिलेगी या मुझे जॉब मिल जाएगी। जो भी टाइम आपने अपने मन में सोचा है या जो भी आपने जहाँ भी इंटरव्यू दिया है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। थ्री ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों ने यहाँ पे ये क्वेश्चन किया है कि कितना वेट करना है, आपको वेट करना है अपने लाइफ में अपने पार्टनर का या मूव ऑन करना है। यहाँ पर ये भी आपने पूछा है कुछ लोगों ने कि आपके लाइफ में अगर आपने फॉरेन जाने का सोचा है या ट्रांसफ़र का सोचा है एक जगह से दूसरी जगह, या अब्रॉड जाने का सोचा है, तो क्या वहाँ पर आप सेटल हो पाएंगे, क्या आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। जजमेंट, आपके तरफ कोई डिसीजन, या तो आप किसी डिसीजन को लेने वाले हैं या आपकी तरफ कोई डिसीजन लेने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन आपने किया है कि क्या आपके लाइफ से जो भी कार्मा है वो क्लिंस होगा, क्या आपके पार्टनर कार्मिक सिचुएशन से बाहर आएंगे, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आएंगे। जजमेंट, आपकी तरफ भगवान जजमेंट कब करेंगे, मतलब आपका प्रॉब्लम्स कब सॉल्व होगा। लास्ट है जस्टिस, आपको न्याय कब मिलेगा। आप में से कुछ लोग कोर्ट मैटर में डील कर रहे हैं, हो सकता है कोर्ट केसेस चल रहे हों आपके ऊपर, और आप जानना चाहते हैं कि आपको न्याय मिलेगा और क्या आपके साथ जस्टिस होगा। कुछ लोग यहाँ पर डिवोर्स फाइल किए होंगे, हो सकता है आपने क्वेश्चन करा हो कि डिवोर्स क्या हो जाएगा या रुक जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो लीगल सिचुएशन से रिलेटेड भी कुछ लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर अरकाना से हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड। यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, मे बी सफ़र करना चाहते हैं। आपने पूछा है क्वेश्चन कि क्या आपका वो ट्रैवल सक्सेसफुल होगा, या आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे, या बातचीत होगी, कॉल मैसेज आएगा। द एम्परर, कुछ लोग अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं या अपने पार्टनर्स के पेरेंट्स से, मतलब यहाँ पर बड़ों का प्रॉब्लम दिख रहा है, मतलब किसी तरह का इंटरफेरेंस दिख रहा है या तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो आप इनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन करे हुए हैं कि क्या पेरेंट्स मान जाएंगे, क्या हमारा रिश्ता तय हो जाएगा, या अगर पेरेंट्स ज़बरदस्ती आपकी शादी कर रहे हैं तो क्या वो मान जाएंगे, मतलब इस तरह के भी क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। द स्टार, आपने जो भी मनौती मांगी है, जो भी विश मांगी है, आप जानना चाहते हैं क्या वो पूरी होगी, क्या आपकी विश यहाँ पर सक्सेसफुल होगी, चाहे आपने जो भी विश मांगी हो, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, कहीं भी। कुछ लोगों ने इस तरह के भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं। स्ट्रेंथ, कुछ लोगों ने हेल्थ को लेकर क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ लोगों ने मे बी अपनी या अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या उनके पर्सन स्टैंड लेंगे, क्या पावर में आके वो कोई डिसीजन लेंगे, या आप खुद कोई डिसीजन ले पाएंगे पावर में आके किसी सिचुएशन से बाहर निकलने का। द एम्प्रेस, लास्ट कार्ड, कुछ लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं कि क्या वो माँ बन पाएंगी, या कुछ लोग प्लॉट खरीदने से लेकर या फ्लैट खरीदने से लेकर या घर या कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि उनके लाइफ में क्या वो ये जो स्टेप ले रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, इस तरह का डिसीजन यहाँ पर कुछ लोग ने क्वेश्चंस किए हैं। सो लेट्स चेक, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, येस और नो। पहला कार्ड है इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में। इफ़ यू बिलीव,
अगर आपको बिलीव है, नो नीड टू वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करिए, बी असर्टिव, बी असर्टिव इज़ अ येस कार्ड। तो बेस्ट विशेस गाइस, आपने जो भी पूछा है वो नियर फ्यूचर में बहुत जल्द पूरी होगी आपकी विश, बहुत जल्द, नियर फ्यूचर में। कितना वक्त लग सकता है, कितना वक्त लग सकता है ये विश पूरी होने में? मैं तीन कार्ड्स लूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं। आई नीड थ्री कार्ड्स एंजल्स, ओके। कुछ लोगों की विशेस विद इन टू आवर्स, टू डेज या टू वीक्स में पूरी हो सकती है, कुछ लोगों की विशेस विद इन एट आवर्स, एट डेज या एट वीक्स में पूरी हो सकती हैं। टू एंड एट नंबर आया है और वो भी कितना खूबसूरत नंबर आया है, सोल कनेक्शन विद मैसेजेस। और देखिए पहले दो कार्ड्स भी यही आए हैं लकीली, और यहाँ से भी यही दो कार्ड्स आए हैं, इट्स अ कोइंसिडेंस। आप में से ज़्यादातर लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, आप जो भी सोच रहे हैं वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। सो पॉजिटिव रहें। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। अगर आपका क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हुआ हो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।